कैसे दिखाने वाली है ये मूवी ट्राइबल सेंटिमेंट्स को, और क्या RRR और R4 फेस करेगी पॉलिटिकल बैकलैश, और क्या शुरू हो गया है RRR का प्रमोशन, हो गया है शुरू राजमौली के RRR के प्रमोशनल टास्क। मूवी रिलीज होने तक फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति पोस्टर्स, कोई इन्फो, कोई वीडियो, कुछ न कुछ पोस्ट करते ही रहेंगे। और दोस्तों इसी बीच July 15 सुबह 11 बजे को रिलीज होने वाली है RRR की मेकिंग वीडियो द रोर ऑफ RRR। अब दोस्तों इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि ये फिल्म बाहुबली के निर्माता से आ रही है। RRR ने रिसेंटली अपनी शूट कंप्लीट की है और बताया गया है कि अब सिर्फ 2 गाने ही बाकी हैं शूट करने को। तो दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन काम भी जल्द ही शुरू होने वाला है इस मूवी के, और ये मूवी शेड्यूल्ड है October 13 में रिलीज के लिए। दोस्तों इस फिल्म में जूनियर NTR जो एक आदिवासी नेता के किरदार में है जिनका नाम है कोमाराम भीम, और दोस्तों रामचरण ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में जो बेस्ड है अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश तेलंगाना के इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा, उनको ये जरूर पता होगा कि कौन थे ये कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू। हालांकि ये दोनों लोग सच में थे, ये स्टोरी जो RRR में दिखाई जाएगी वो पूरी तरह से फिक्शनल है। अब दोस्तों इसी फिल्म में रामचरण की वाइफ के किरदार में देखेंगे आलिया भट्ट। इस फिल्म में उनका नाम होने वाला है सीता। अब दोस्तों आलिया भट्ट की ये पहली फिल्म है जो इतने बड़े लेवल पर रिलीज हो रही है, लेकिन एक सवाल है जो RRR को इस हाइप में छुपाया हुआ है। तो दोस्तों क्या RRR का बनेगा कोई सीक्वल? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मूवी के सीक्वल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जल्द ही होने वाली है पब्लिक। राजमौली ने अपने मैग्नम ओपस बाहुबली को भी 2 पार्ट्स में रिलीज किया था, तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि RRR को भी 2 पार्ट्स में वो रिलीज करे। अब दोस्तों R4 जो हो सकता है RRR का सीक्वल बेस्ड होगी इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर। R4 तेलंगाना आंध्र प्रदेश एरिया में हुए ट्राइबल रिवोल्यूशन के ऊपर बन सकती है। तो दोस्तों ट्राइबल रिवोल्यूशन अब भी होता है क्योंकि उन्हें उनके हक नहीं मिलते और वो भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ये चीज R4 में दिखाई जा सकती है। अब दोस्तों स्टेट के साथ इन लोगों की जो लड़ाई है उनके हक के लिए R4 की स्टोरी उसी के ऊपर बेस्ड हो सकती है। अब दोस्तों R4 में हो सकता है कम्प्लीटली एक नया कास्ट, और R4 की स्टोरी भी शायद फ्लैशबैक में बताई जाएगी। अब दोस्तों R4 होने वाली है RRR से भी बड़ी और एक्सप्लोर करने वाली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों को, उनके लोगों को और उनकी शख्सियत को, ठीक है, और उनकी शिकायतों को। तो दोस्तों RRR ऑलरेडी उसके टॉपिक के लिए पॉलिटिकल बैकलैश फेस कर रही है, और R4 ने अगर ये टॉपिक चुना तो होने वाली है और भी बड़ा पॉलिटिकल क्लैश। अब दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं है जो किसी सिनेमा की वजह से पॉलिटिकल या सोशल अपरोर हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं मगर वक्त ही बता सकेगा कि कैसे एक्सेप्ट करेंगे RRR और R4 को लोग। तो दोस्तों RRR और R4 के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।